आज की कहानी कुछ अलग सी है तो अभी सेव कर लो गुरु गोविंद सिंह जी जब अपनी सेना अनंतपुर साहब में बड़ी कर रहे थे तो ये खबर दिल्ली तक पहुंची और औरंगजेब ने अपनी सेना से कहा ये लो दस हजार की सेना और गुरु गोविंद सिंह को मेरे सामने जिंदा पकड़ कर लाओ तो कौन लेकर आएगा तभी उसमें से एक बत्तीस साल का जर्नेल उठा और कहा मैं लेकर आऊंगा उसे जिंदा पकड़कर उसने कसम खाई और वहाँ से चल पड़ा पंजाब पहुँच सबसे पहले वो अपनी बहन के घर गया सिडोरे जहाँ पर वो अपनी बहन नसीरा से मिलता है और नसीरा उसकी सेना देखकर पूछती है कि इतनी बड़ी सेना किसके लिए तो जर्नैल बोलता है कि पहाड़ियों में कोई गोविंद है उसको पकड़ने का हुक्म आया लेकिन नसीरा और उसका पति बुद्धू शाह दोनों ही महाराज के भक्त थे और उसको समझाने लगे कि तू यहाँ से चले जा लेकिन उसने एक न सुनी और वहाँ से चल पड़ा उसने पता लगाया कि किले के अंदर कितने लोगों की सेना है तो पता चला सिर्फ 700 लोगों की सेना गोविंद के पास है और उसने कहा अपनी सेना से कि इनको तो हम शाम तक खत्म कर ही देंगे सो दिस इज दी पार्ट वन स्टेट फॉर पार्ट टू